रोना सोना नहीं है, अभी हम खाना लेके आते हैं। बच्चे कब से भूखे हैं? के गुब्बारे मंगा के तो उसको खिलाएं। आंटी कितना बड़ा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है प्यारे बहन भाइयों? ठीक है, जो मेरे परदेसी बहन भाई हैं उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से अस्सलामुअलैकुम और ढेर सारी उनके लिए दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, और जो बेघर है अल्लाह पाक हम समेत उनको अपना घर अल्लाह पाक दे। तो प्यारे बहन भाइयों, आज गैस बार बार चेक करते रहे, गैस नहीं आई। सुबह भी पराठे बहुत मुश्किल से बच्चों का नाश्ता बनाया, सारा दिन गुजर गया, गैस नहीं आई। तो अब आटा गूंद रही हूँ, तो राशिद कह रहे भाई बाहर से कुछ ले आते हैं, बच्चे भूखे, तो अब बाहर से जाएंगे, देखें हलीम चने लेके आते हैं या जो भी मिला लेके आते हैं बच्चों के लिए। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मियाँ का हिचकी के टोटके बताने के, मेरे मियाँ हिचकी नहीं ठीक हो रही, तो ये डॉक्टरी इलाज है मेरे ख्याल से, तो ये डॉक्टर को चेक भी नहीं करवाते, तो इनसे मेरी ये लड़ाई दो दिन हो गई लगी भी, डॉक्टर को चेक करवाएं आप भी कुछ इनको समझाएं, इनको ये नहीं पता ये हैं तो बच्चों पाल रहे हैं ऊपर अल्लाह तो नीचे यही है बच्चों के, तो ये नहीं बात सुनते कुछ। आप सब भी इनको कमेंट में प्लीज़ समझाएं, ये मेरी बात नहीं सुनते, मैं बहुत परेशान हूँ इनसे, कभी पाँव को कुछ हो जाता है, कभी हिचकी लग जाती है, ये कोई कहता गुर्दों को मसला है, कोई कहता फेफड़ों को मसला है, तो अब अल्लाह ही जाने क्या बीमारी है क्या नहीं। आप सब ने दुआ करनी है मेरे मियाँ को कोई बीमारी ना बने, बस इनकी हिचकी का आराम आ जाए, बस इसी में परेशानी में हर वक्त गुजर जाता है। तो आप सबकी दुआएं मेरे मियाँ के साथ है, कमेंट सब ने बहुत प्यारे प्यारे भेजे, टोटके भेजे, सबका बहुत शुक्रिया। अजीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत सारे टोटके भेजे, हम सब वो कर रहे हैं, इलायची वाला तो उसी टाइम किया है, तो और भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आराम देगा। तो आप सब बस मेरी दुआ के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक आप सबकी भी मुश्किलें दूर करें। अब्दुलरहमान ईशा, क्या बेटा भूख लगी है? बाबा जहाँ से मर्जी रोटी लेके आए, तंदूर से ले आए, जो मर्जी करे। तो बेटा गैस नहीं है, तो सालन भी नहीं बनाया हमने, तो सालन फिर सालन का क्या करें? बाहर से लेके आए जी, रोटी भी बाहर से लेकर। अच्छा बेटा, हम बाहर से सालन ले आते हैं, परेशान ना हो, ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है, रोना शोना नहीं है, अभी हम खाना लेके आते हैं। चले उठे राशिद साहब, चलते हैं। बच्चे कब से भूखे, मैंने कहा आपको हिचकी लगी ना बाहर चले, पर अब जाना पड़ेगा, उठे जाना तो पड़ेगा, मोटरसाइकिल मुझसे चलता नहीं है, बड़ा कोशिश करते हैं इंशाल्लाह लेके आते हैं, पता है बच्चों की बर्दाश्त से बाहर हो गई है। चलो फिर मेरा भी याद हो गया, चलते हैं, उठो चलो उठो। व्यूअर्स में कैमरा मैन हूँ, क्या लेना क्या है? न्यारी लेनी है, माशाल्लाह ये न्यारी देखें कितनी बेहतरीन माशाल्लाह इन्होंने बनाई हुई है, हम बहुत दूर से आते हैं इनसे लेने खाने, इंशाल्लाह माशाल्लाह इनके साले में ऐसे हैं जैसे घर के हैं। कितने बजे ओपनिंग होती है? 6 बजे। शुक्र है व्यूअर्स, कैसा आ गई है, सारा दिन होगी मच से जाया करते हुए, सारा दिन अलीशा अपनी छोटी छोटी गोगियाँ से। ये भी किसी ने बताया कि गुब्बारे जो है ना मंगा के, कमेंट्स नहीं किया उन्होंने, फ़ोन किया है कि गुब्बारे मंगा के तो उसको फैलाएं,
और इससे भी जो हो सकता है आपकी हिचकी बंद हो जाए। तो अभी ये कर रहा हूँ तो साथ साथ अंकल आंटी कितना बड़ा फूल गया था, फट गया एकदम। गैस ना हो तो कितनी परेशानी बनती है। मनी आप ट्यूशन पढ़ने गई थी, आपने ट्यूशन पढ़ा है? यस। अंग्रेज हो? नहीं। चाचा मैं डाल के देती हूँ बोटी भी। गोश्त वाली नहीं, ये चिकन ने आ रही है। बच्चों घर वाले सालन में मजा है, बाहर वाले में? बाहर दोनों में। आप भी कभी नहीं आ रही बनाए ना? दिन हो गए। अच्छा मैं नहरी आपको बना दूंगी। को कौन सा सालन सही लग रहा है, घर का या बाहर का? होता तो घर का सही है, मगर मुश्किल टाइम आप जिस तरह से आई है तो बाहर का भी खाना चाहिए। क्यों बहन भाई हो, ठीक कहा है ना मैंने? आयत अपनी चूड़ी बना रही है। चलिए मेरी है जी। प्यारे बहन भाई हो, आपने देखा है गैस की वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी। बच्चे मेरे इतने देर से भूख भूख मामा भूख में, हम लोग गैस का इंतज़ार करते रहे, अभी गैस आएगी अभी आएगी, मगर सालन बाहर से लाना पड़ा, अचानक से गैस आई, फिर रोटियां बनाई, रोटियां बना के बच्चों को दी, तो अब बच्चे खा के सो रहे। सुबह पता उन्होंने लेट जागना होता है, फिर सुबह का नाश्ता तो नहीं ना मारा, तो दोपहर को ही नाश्ता होता 12 बजे, तो बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, तो बहुत गैस का मसला है। राशिद बीमार है, पता है मेरा कमाने वाला ही बीमार है, तो अल्लाह पाक पूरियां डालने वाला है। तो और बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो जो कमेंट भेजते हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें दूर करें। तो कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, यूं ही में हमारा साथ दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पे रहम करें, तो ये महंगाई कम हो जाए तो हम सबकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें दूर करें। अल्लाह हाफिज़।